भगवान का शुक्र है कि उनकी हालत स्थिर है। जो उनका इलाज चल रहा है मैं उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जब तक उन्हें होश ना आ जाए यही ठीक रहेगा। बस एक बार उन्हें होश आ जाए। रखा देवी जी, कहाँ है मेरी बहन, कैसी है वो? बिना पूछे तो आप लोग कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए पूछना पड़ रहा है। बताइए हमारी बिटिया कैसी है, कहाँ है, कहाँ है वो? अरे आप लोग इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? छोटकी बहू ठीक है, घर पर ही है। कैसे? माई रे माई, ये कौन है पीपी जी? ये तो वही है ना जो अक्सर औरतों के लिए आंदोलन करती रहती है। इन्हें कैसे पता चल गया? ये बात घर से बाहर ऐसे कैसे फैल गई? नमस्ते नवलखा जी। नमस्ते हुकुम जी। नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप पता चला तो आना ही पड़ा। अरे आप लोग बताते क्यों नहीं, सिया कहाँ है? आइए समधी जी, आओ प्रभात बेटा। रुकिए सिद्धेश्वरी जी, आप तो काफी समझदार महिला हैं। आपको समझना चाहिए कि किसी के घर के आंतरिक मामलों में ऐसे टांग नहीं घुसेड़ना चाहिए। हमें जरा नेताइन तुम्हारी रैली का मंच नए। ये हमारी अम्मा नौलखा देवी का घर परिवार है, यहाँ बिना हमारी अम्मा की मर्जी के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और जो मारने की कोशिश करेस तो मैं उसको मारने नहीं देता। देखिए मैं विपक्ष की पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आपकी दुश्मन हूँ। इस हादसे की खबर लगी तो मानवता के नाते भी भुक्तभोगी को देखने और हाल पुछार का हक तो बनता है मेरा, और इसमें बुराई भी क्या है? ये मौके का फायदा उठाने आई, इसकी हरकतों पे नजर रखनी होगी। ये बिलैया शिकारी की तरह घात लगाए बैठी, पर हमें को न पनपने न देंगे। लेकिन अब हैं इसको धकिया तो सकते नहीं, प्यार से रवाना करना पड़ेगा। कौन है ताइन? आप मरीज देखने आई हैं और कुछ लाई नहीं, खाली हाथ? ठीक, देख लीजिए और देखने के बाद एक अच्छे पड़ोसी की तरह यहाँ से विदा लीजिए आप, ठीक है? आइए समझी, चलो प्रभु। सिया बेटा, मेरी बच्ची, कैसी है मेरी बच्ची? इसकी हालत इतनी गंभीर और आपने हमें बताया तक नहीं? नहीं दीन बंधु जी, हम आपको बताने वाले थे लेकिन सोचा कि थोड़ा स्थिति। अच्छा, आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं बोलते कि हमसे छुपा रहे थे? हमसे इस हादसे के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ना ये बताया कि सिया की इमरजेंसी की हालत में इलाज चल रहा है। वाकई ये शर्मनाक बात है, मेरी बच्ची यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है और आपने समझी होकर भी हमें नहीं बताया। ये बात हमें बाहर से पता चल रही है। अब तो बता दीजिए मेरी बहन को हुआ क्या है। देखिए आप लोगों को जो भी बात करनी है बाहर जाके की, यहां इतना शोर मत कीजिए। जी आ जाओ प्रभात बेटा, आ जाओ। आप चलिए दीन बंधु जी, हम आप बता चल। हमारी बहन इस हालत में पहुंच गई है लेकिन अभी तक कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, सब मुंह सी के बैठे हैं। प्रभात बाबू आराम से, चिल्लाइए मत। ये कैसी बात कर रही हैं नौलखा जी आप? ये जो कुछ भी हुआ है कोई मामूली बात नहीं है।
ये तो वही बात हो गई कि खंजर भी भोग दीजिए और घायल से कहें कि चिल्लाओ भी मत। ये तो सरासर जुल्म है। प्रभात चिल्लाए नहीं तो और क्या करे? मुंह सिलकर बैठ जाए और आप लोगों के गुणगान करे? अब आप ही बता दीजिए कि ऐसी सूरत में एक भाई अपनी बहन के लिए बात कैसे रखे, जिसकी बहन को उसके ससुराल में जलाकर मार डालने की कोशिश हुई हो। सिद्धेश्वरी देवी जी, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। आप एक जिम्मेदार समाज सेवी हैं, आपके मुंह से ऐसी अशिष्ट भाषा शोभा नहीं देती। मौका मिल गया है तो कुछ भी बोलती चली जाएंगी। वाह, जब जुबान में सच्चाई आने लगी तो आप भी लगाम कसने की बात करने लगे। चलिए हुकुम सिंह जी, हम आपकी बात मान लेते हैं। अगर घर में सिर्फ आग लगने की बात थी तो बहू को गंभीर हालत में भी अस्पताल में एडमिट क्यों नहीं करी? अगर आप लोगों के मन में पाप नहीं था तो मायके वालों को इस हादसे की खबर क्यों नहीं दी गई? क्या छुपा रहे थे आप? सिद्ध माता सिद्धेश्वरी देवी, कस यहाँ काहे मुंह उठाए चली आओ? ऐसा है कि मायके और ससुराल के बीच में ना कि जो राजनीतिक वाली नाक है इसको घुसोड़ो मत। और आप होती कौन है सबके बीच में मंत्र जापने वाली? बताइए, हम भेजे रहे निमंत्रण आपको केने ताईन हमरे घरे में ना आग लगाबा, आवा दमकल लेके बुझाए दे। तेरे के बुलाए इसके हमने महाराज, और इन्हें पूरा अधिकार है बोलने का हमारी तरफ से, और इन्हें ये अधिकार हमने दिया है। ए महाराज, इन्हें इस सब घर परिवार के मामले में बीच में डाल के काहे यहाँ पर हमारा और इका राजनीति का खाड़ा बनाने पे तुले हो महाराज? बोलो। अब आपके पतिदेव और बात को बिगाड़ ना दे सिद्धेश्वरी देवी से झगड़ के। देख रहे हैं समझी जी, आज इस घड़ी में भी आपके लोगों को अपनी राजनीति की चिंता लगी हुई। वहां मेरी बिटिया मौत से जूझ रही है और आप लोग, अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? जब से मेरी सिया इस घर में आई है उस दिन से लेकर आज तक आप लोगों का अत्याचार है कि हमने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे अत्याचार तो है ही, मेरे चुप हो जाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सिद्धेश्वरी देवी जी, यह हम दो रिश्तेदारों के बीच का मामला है तो सार्वजनिक चेहरा न दे। देखिए, चुप रहिए दीनबंधु जी। देखिए, हम आपकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन इस तरह से यहां पर ये सब, आप आइए, आइए हम आपसे बात कर। नहीं हुकुम सिंह जी, बस अब हमें माफ कर दीजिए। हमारे गुरु जी ने मिलवाया था, बहुत भरोसा था हमें आप पर। हम सबने सोचा कि एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के घर ब्याह रहे बिटिया, अगर घर का मुखिया इतना अच्छा है तो इससे बेहतर अभिभावक और कहां मिलेगा। लेकिन नहीं, हमारी सोच और सच्चाई के बीच बहुत बड़ी खाई है। अगर ये खाई ना होती तो आज मेरी बच्ची की हालत ना होती। दीनबंधु जी, हमारा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ इस घर में वो सिर्फ एक हादसा। आपको बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। दीनबंधु जी, आपकी बेटी हमारी बहू है। आपको जितनी चिंता है उससे कहीं ज्यादा चिंता हमें है। दीनबंधु जी, उसका अच्छे से अच्छा इलाज चल रहा है,
सारी सुविधाएं मुहैया करा रखी है। आप ऐसा मत सोचिए। देखिए, इस मामले की छानबीन करना ना तो पियर वालों का काम है और ना ही ससुराल वालों का, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। तो पुलिस को ही सॉल्व करने दीजिए। ओ, तो नेताइन अब हमको पुलिस की घुड़की दे रही है, क्यों? घुड़की नहीं है ये, सूचना है आपके लिए। सुनाइए। क्योंकि हम लोग सीधे आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। सिद्धेश्वरी जी, हमें तो लगता था कि आप राजनीति में किसी महान उद्देश्य से आई हैं, लेकिन आप तो सूरज कुंड के एक परिवार के आंतरिक मामलों में घुस के बहू के मायके और ससुराल में लड़ाई लगवा रही हैं। ये झगड़ा तो आपने बहुत पहले शुरू कर दिया था। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि पहले ये शीत युद्ध था, अब सार्वजनिक रूप से सबके सामने आ गया। अब आपको जो करना है कीजिए, और हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। प्रभात, यहाँ समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। चलिए पापा, बहुत हो गया। अरे दीनबंधु जी, अम्मा ये बाप बेटवा के ना नियत में ही खोट है, तब लाए थे नेताइन को हमारे घरे की पगड़ी उछालने के लिए। हेलो, हाँ भटनागर जी, जरा जज साहब से बात कर लीजिए। आप हाईकोर्ट में है ना? हाँ, IG मिश्रा से हमने बात कर ली है, यहाँ मामला थोड़ा ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है। हाँ ठीक, हमें नौलखा देवी के खिलाफ FIR दर्ज कराना है। अरे ऐसे कैसे FIR लिखवानी है, कुछ हुआ भी है कैसे? देखिए, आप तिवारी जी को बुलाइए। अरे बुलाइए भाई। भंडारी जी, बोलिए भंडारी जी। देखिए तिवारी जी, बहुत जरूरी है केस दर्ज करना, ये सज्जन लोग नौलखा जी ने इनके साथ ठीक नहीं किया है, आप FIR दर्ज कीजिए प्लीज। नौलखा देवी के खिलाफ FIR लिखवाने आए जी। क्यों, नौलखा जी कोई तोप है क्या जो उनके खिलाफ अगर FIR दर्ज करवा दी तो उड़ जाएंगे? उन्होंने अपनी छोटी बहू को जान से मारने की कोशिश की है, और आप रिपोर्ट लिखने में आनाकानी कर रहे हैं जब महिला संगठन की औरतें आकर आपके बाल नोचेंगी और हाय हाय करेंगी, तब आप FIR दर्ज करेंगे। चलो प्रभात। मैंने कुछ कहा क्या? आप बैठिए, मैं FIR लिख रहा हूं। बोलिए। हेलो प्रोफेसर जी, आप कहाँ हैं? घर खुला छोड़कर कहाँ चले गए? सूरज कुंड पुलिस स्टेशन। सूरज कुंड पुलिस स्टेशन, लेकिन क्यों? अभी क्या के ससुराल वालों ने उसे जला के मारने की कोशिश की है। Oh,
सिया, सिया, काली दी बेटा, हमारी सिया कहाँ? कैसी है हमारी बेटी? आइए, हम ले चलते। मेरी बच्ची, हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है? आपकी बेटी की हालत अब पहले से बेहतर है। संधन जी, अगर ये हालत मेरी बिटिया की बेहतर है तो पहले कितनी खराब हालत रही होगी। अभी कुछ ही दिन हुए हमने हमारी लाडली बेटी को आपके हवाले किया और देखिए उसकी क्या हालत कर दी आप लोगों ने। देखिए हम आपकी भावना समझ सकते हैं, ऐसे हादसे तो किसी के घर में भी हो सकते हैं। माफ कीजिएगा समधन जी, ये हादसा नहीं जो केवल मेरी बेटी के साथ हो और घर के किसी भी सदस्यों को खरोंच तक ना है, फिर हमारी ही बेटियां क्यों? आगे खोल मेरी बच्ची, तेरी माँ है। नौलखा देवी जी को बुलाकर लाओ। लेकिन क्या हुआ? मलकाई, बाहर पुलिस लोग आए हैं और आपको पूछ रहे हैं। नौलखा देवी जी, आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। आपने अपनी बहू को जलाने की कोशिश की। हम आपको पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड में लेते हैं। बेटा, तुम्हारी दादी को कोई कहीं नहीं ले जा रहा है। वकील साहब, ये लीजिए इंस्पेक्टर तिवारी, एंटीसिपेटरी बेल कंठस्थ कर लीजिए। इंस्पेक्टर तिवारी, ये अग्रिम जमानत के कागजात हैं, इसलिए अगर आपको किसी से भी कुछ भी पूछताछ करनी है ना, तो वो इसी घर में रहकर करिए। समझ गए आप? आराम से कागजात पढ़ लीजिए। सब दुरुस्त है ना? जी जी नौलखा देवी जी। लोग तो बड़े सयाने निकले। ये एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है कि आप लोग पहले से सब कुछ जानते थे।
और ये कानूनन अपराध भी हो सकता है। सिद्धेश्वरी देवी, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बिना सच्चाई जाने किसी के बहकावे में आकर किसी पर इल्जाम ना लगाया जाए, नहीं तो हमारे पास यही रास्ता बचता है। और समधि जी, आपने एक कदम आवेश में आकर उठा लिया। हमारी मलकिन को आप अरेस्ट करने के लिए, क्या अच्छी बात नहीं है? नहीं समधि साहब, मेरी जगह कोई भी बाप होता तो यही करता। जिस बेटी को उसी के ससुराल में आए दिन किसी न किसी बात पे नीचा दिखाया जाता हो, जिस बेटी को शादी के बाद भी ससुराल में सुख न मिला हो, उस बेटी का बाप होने के नाते मैं कैसे इस हादसे पे यकीन कर लूं?